हाय फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट अमृत और मेरे किचन में आपका स्वागत है। तो चलिए एक और नया चिकन का स्नैक बनाते हैं जो बहुत ही यूजफुल होने वाला है किटी पार्टी, बच्चों की पार्टी या बर्थडे पार्टी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मैंने बोनलेस चिकन ले लिया था जिसे मैंने बॉइल्ड और श्रेड करके ले लिया था। मैंने 1/4 कप मिल्क लिया है, उसमें मैंने 1 टेबल स्पून मैदा, ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला डाल के इसे साइड में रख लेंगे। अब पैन लेंगे, तेल डाल देंगे। मैंने चॉप्ड गार्लिक लिया है 2 टेबल स्पून। अगर आपके बच्चों को नहीं पसंद तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, इसकी जगह पे थोड़ा सा गार्लिक पाउडर यूज़ कर लेना। 1/4 कप चॉप्ड ऑनियन डाल देंगे। टेबलस्पून चॉप्ड कैप्सिकम। वेजीज आप कोई भी अपनी चॉइस की डाल सकते हैं। यहाँ मैंने चिकन यूज किया है, आपको पनीर यूज करना है तो पनीर भी यूज कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेगा। जो हमने मिक्सचर बना के रखा था वो हम डाल देंगे। हाई फ्लेम पे अच्छे से मिक्स करना है। जो इसमें मैदा है, फ्लार है, वो थिक हो जाना चाहिए। अब मैं इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ। बच्चे खाने वाले तो आप स्किप कर सकते हैं। कोरिएंडर ऑप्शनल है, दिखने में बहुत ही ब्यूटीफुल दिखेगा। हाई फ्लेम पे मैं लगातार चलाती जाऊँगी ताकि ये अच्छे से थिक और ड्राई हो जाए। काफ़ी अच्छे से ड्राई हो गया। अभी हमें इसे ठंडा कर लेना है। एक प्लेट में निकाल के मैं इसे साइड में रख लूँगी ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। तो चलिए, मिक्सचर हमारा ठंडा हो गया है। अब इसे हम प्लेस कर देंगे ब्रेड के ऊपर। ब्रेड की एजेस मैंने निकाल दी है। एक चीज स्लाइस ले लेंगे और चीज स्लाइस उसके ऊपर प्लेस कर देंगे। यहाँ पे आप मोजरेला चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं या चेडर चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने प्लेन चीज़ यूज़ किया है। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और ऑरिगैनो स्प्रेड करेंगे, कोरिएंडर स्प्रेड करेंगे और इसे हम फ्राई करें या माइक्रोवेव में आप रोस्ट करें। मैं दोनों तरीके करने वाली हूँ। सबसे पहले हम फ्राई करेंगे, थोड़ा सा बटर डाल के इसको शैलो फ्राई करेंगे। ये वाला वर्जन बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, बटर वाला। थोड़ा सा कवर कर लेंगे ताकि चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। यहाँ पे मैंने 3 मिनट्स के लिए इसे माइक्रोवेव में भी रखा है। तो हमारा दोनों वाला ब्रेड जो है वो रेडी हो गया है। एंजॉय करें इसे बच्चों के साथ।